beloved children of God. परमेश्वर की प्यारी संतानों, I bless you in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में मैं आपका आशीष देती हूं. May this day be a fruitful day for you. ये दिन आपके लिए आशीष का दिन हो, फलवंत दिन हो. Understand your own faith. आप अपने विश्वास को जानें. Prayer and fasting. उपवास प्रार्थना को जानें. Since these days are marked for fasting. ये दिन उपवास के लिए नियुक्त किए गए हैं. At least for many of us. कम से कम बहुत से लोगों के लिए. In my life. मेरे जीवन में these 45 days ये 45 दिन always given me strength. इसने हमेशा मुझे बल दिया है. My parents, मेरे माता पिता, of course they were, you know, from childhood they have known Christ. बचपन से वो यीशु मसीह को जानते थे. The commitment was so true. उनका समर्पण इतना सच्चा था. They lived a saintly life. भक्तिपूर्ण जीवन वो जिए. So we understood a lot from their life. हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं. And they made us understand Christianity's way of life. और उन्होंने हमें समझने में मदद किया कि मसीह जीवन का मार्ग है. Not rituals and traditions. धार्मिक विधियां और तरीके नहीं. My father was a high official in education department. मेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी थे. When he retired, he wanted to serve people and God together. जब वो रिटायर हुए, वो परमेश्वर और लोगों की सेवा करना चाहते थे. Went to a small place known as Danishpet in Salem district. सेलम डिस्ट्रिक्ट में डेनिशपट्टनम नाम की एक छोटी सी जगह पर गए. Orphanage was run by a group of people. वहाँ पर कुछ लोगों का समूह एक अनाथाश्रम चलाते थे. And he took my mother and stayed there and did a lot for that institution. और मेरी माता को वहाँ पर लेकर गए और उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया. They had one ritual every month. हर महीने एक विधि वहाँ पर होती थी. Every last day of a month. महीने के हर आखिरी दिन the whole institution will go on fast. पूरा इंस्टीट्यूशन उपवास करता था. From morning 6 to evening 8. सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक. They had small children. उनके छोटे बच्चे थे. Even the animals and the bird were put on fast. और यहाँ तक कि जानवर और पंछी भी उपवास करते थे. They always quoted Nineveh. वो हमेशा निनवे के बारे में कहते. If it could happen in Nineveh. ये कहीं भी हो सकता है. Why not with us? अगर ये निनवे में हो तो हमारे साथ क्यों ना हो? So they were asked to put an all problem that seems to be very impossible to solve. और वो सारी समस्या जो उनके लिए असंभव दिखती थी वो सामने रखते थे. Not only for the institution. केवल इंस्टीट्यूशन के लिए ही नहीं. But also personal. लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी. And in my family. और मेरे परिवार में. My husband was the only one. मेरे पति एकमात्र थे. Who never believed. जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया. Was a good man. वो एक भले व्यक्ति थे. Very righteous man. बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे. It's very difficult to bring a righteous man into Christ. एक धार्मिक व्यक्ति को मसीह में लाना बड़ा मुश्किल होता है. Horrible sinner will accept and come. और बड़ा भयानक पापी स्वीकार करके तो आ जाते हैं. When a righteous man knows what he's doing is right. और जब धर्मी व्यक्ति जानता है कि जो वो कर रहा है वो सही है. Always argue. तो हमेशा वो बहस करते हैं. Same way my husband also used to argue. उसी तरह से मेरे पति भी बहस करते थे. And he used to say my father and mother are hysterical. और वो कहते कि मेरे माता पिता जो है वो पुराने जमाने के हैं. Being their child, I am also hysterical. उनके तरीके से देखा जाए तो मैं भी पुरानी हूँ. He is the only man sane in the family. और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूरे परिवार में सबसे अच्छे थे. The whole family prayed for him. पूरे परिवार ने उनके लिए प्रार्थना की. And this particular last days of every month, my father and my mother prayed specially for my husband. और इस महीने के हर महीने के अंतिम दिन में मेरे माता पिता ने खास करके मेरे पति के लिए प्रार्थना की. And the Lord answered after 15 years. और 15 साल के बाद में प्रभु ने उत्तर दिया. And my father came in July middle. और जुलाई महीने के मध्य समय में मेरे पिताजी आए. To my house. मेरे घर में आए. Where we both stood as a witness for him and told him. और जहाँ पर हम दोनों खड़े रहकर गवाही के रूप में उनसे ये कहने लगे. We are worshiping God with oneness of mind, Papa. हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. अच्छी बात है. God is here with us. परमेश्वर यहाँ हमारे साथ है. God has heard our prayer. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी. As a family we are in the Lord. हम परिवार के रूप में प्रभु में हैं. My father was overwhelmed. मेरे पिताजी रोमांचित हो गए. He thanked the Lord. उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया. Went back that July. और उस जुलाई में वापस गए. Last day of July. महीने के अंतिम दिनों में stood as a witness, एक गवाह के रूप में वो खड़े रहे, fasting and prayer, उपवास प्रार्थना के द्वारा. And और in August he passed away. अगस्त में वो गुजर गए. Middle of August he was no more. अगस्त के मध्य समय में वो नहीं रहे. Why I am telling you this is, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? Do not give up. हिम्मत ना हारें. When you believe in your fasting, prayer and have faith. जब आप अपने उपवास प्रार्थना में विश्वास करते हैं. Very powerful weapon. ये बहुत ही सामर्थी हथियार है. Howsoever strong the evil one is. ये तो सच में चाहे दुष्ट कितना भी सर्वान बलवान हो. Well experienced he is. वो चाहे कितना भी अनुभवी हो. Maybe a battalion of Goliaths. शायद गोलियत की बड़ी बटालियन हो. Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता. Your prayer, आपकी प्रार्थना. Your fasting, आपकी उपवास. And your faith, और आपका विश्वास will definitely break open every barrier. वो हर एक रुकावट को तोड़ देगा. You can see the mountain becoming dust. आप देखेंगे कि पहाड़ धूल बन रहा है. Believe now. अभी विश्वास करें. But there are traditions. लेकिन ऐसी परंपराएं हैं. In our families. हमारे परिवार में. And we have rituals. और हमारी विधियां हैं. So it has become a routine in our life. जो हमारे जीवन में एक रूटीन बन गए. Just because we are doing that, we are self-righteous. हम उसे कर रहे हैं इसलिए हम खुद के बारे में धार्मिकता रखते हैं. We meet such a man in the Word of God. हम परमेश्वर के वचन में ऐसे मनुष्य को देखते हैं. In a parable, the Lord speaks. प्रभु ने जो दृष्टांत कहा उसमें. Luke 18 chapter 9 to 14 it's written. लूका अध्याय 18 वचन 9 से 14 में लिखा है. Two men went to the temple to worship God. दो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गए. One was a very well, high born, traditionally and full of rituals. एक जो है वो तो बहुत ही अच्छे परिवार में जन्मा और वो विधियों से भरा हुआ था. He went directly to the altar. वो सीधा वेदी के पास गया. Opened his hands. उसने अपने हाथ खोले. And started to pray. और वो प्रार्थना. What I want you to understand is. मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें. Both knew God. ये दोनों परमेश्वर को जानते थे. Both came to the presence of God. दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में आए. They did not go to another temple or another God. वो किसी और ईश्वर के पास नहीं गए थे. They knew God. वो परमेश्वर को जानते थे. One man was a Pharisee. एक था फरीसी. He knew the law. वो व्यवस्था को जानता था. He was well versed in law. व्यवस्था में बहुत अच्छा माहिर. Was very obedient. आज्ञाकारी था. Very ritualistic. बहुत ही धार्मिक था. And he did everything perfectly. और उसने सब कुछ बिल्कुल सिद्धता से किया. And he was so proud of that. और वो उसके बारे में बहुत घमंड करता था. And because he was proud of himself. और वो अपने बारे में घमंड करता था इसलिए. He looked down upon the tax collector who was standing near the threshold. और उसने उस चुंगी लेने वाले को नीचा सोचा जो कि वहाँ पर बाहर के एकदम किनारे पर था. He had the guts to speak to the Lord about his own righteousness. उसके पास में इतनी हिम्मत थी कि वो प्रभु को अपनी धार्मिकता के बारे में बताए. And he tells the Lord. और वो प्रभु से कहता है. Lord, I am a righteous man. मेरे प्रभु मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ. I am not a sinner who is standing at the threshold with a tax collector. और मैं तो ये चुंगी लेने वाले जैसे नहीं हूँ. I fast twice a week. मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ. Pay my tithe even in the smallest cumin seeds. और यहाँ तक कि जीरे का भी मैं दशमांश देता हूँ, अपना पूरा दशमांश देता हूँ. So I know you'll bless me, my Lord. मैं जानता हूँ तू मुझे आशीष देगा. Because I'm not a sinner like him. क्योंकि मैं उसके जैसे पापी नहीं हूँ. And the sinner who didn't even have the guts to come into the temple, he stood near the threshold and said, "My Lord, have mercy on me, a sinner." और वो एक पापी था जिसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर के भवन में आए. वो दूर ही खड़े रहकर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं एक पापी हूँ. Who do you think God blessed? आपको क्या लगता है परमेश्वर किसे आशीष देगा? The one who called himself a sinner. जो अपने आप को पापी कहता उससे. Was confessing his sin. जो अपने पापों का अंगीकार कर रहा था. The Lord accepted his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया. Once he accepts the sinner's prayer. पापी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद. He forgives them. वो उन्हें माफ करता है. And they will remember it no more. और वो उसे स्मरण नहीं करता. So when they went back out of the temple. और इसलिए जब वो उस भवन से बाहर गए. One man went home blessed. एक आदमी आशीष पाकर गया. The other man's prayer was not answered at all. और दूसरे की जो प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई. How about your prayer? आपकी प्रार्थना के बारे में क्या? Depending on your rituals. क्या आप अपनी विधियों पर आधारित? Tradition. परंपराओं पर. Because you are ancestrally Christians. क्योंकि आप तो वंशावली से मसीह विश्वासी. There are many bishops and big stalwarts of Christians in your forefathers. लाइन आपके पूर्वजों में बड़े-बड़े बिशप और बड़े-बड़े विश्वासी रहे हैं. Stop fooling around with God. परमेश्वर को मूर्ख बनाना छोड़िए. Your self righteousness is nothing but dirty rag as far as God is concerned. जहाँ तक कि परमेश्वर की बात आती है, आपकी खुद की धार्मिकता और कुछ नहीं बस मैले चिथड़े हैं. He will not accept anybody with dirty rag in his presence. वो अपनी उपस्थिति में किसी मैले चिथड़े को आने नहीं देगा. To give you that beautiful attire of a bridal church, he died on the cross. कि आपको बहुत ही अच्छी सुंदर दुल्हन बनाए, वो क्रूस पर मरा. But so don't think that you go for the communion regularly. You are a big man in the church that you can go to heaven. नियमित रूप में प्रभु भोज लेते हैं कलीसिया में बड़े व्यक्ति, इसलिए ये न सोचिए कि आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे. Let your fasting and prayer humble yourself in presence of God. आपकी उपवास प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में आपको नम्र करें. Make you understand your unworthiness in His presence. उसकी उपस्थिति में आप अयोग्य हैं ये बात को समझने में मदद करें. You have no right whatsoever to command and demand because you are ritualistic. आप धर्मी हैं इसके कारण आपके पास अधिकार नहीं कि आप मांगे और उसकी उसके दावा करें. Are you taking this fasting because your parents also did it? और क्या आप इस उपवास को बस इसी तरह से लेते हैं? It's a tradition that has to be carried on. और ये ऐसी परंपरा है जिसे आपको निभाते जाना है. I did it once upon a time. एक समय मैंने ऐसे ही किया था. I was proud of myself. मैं अपने खुद के बारे में घमंड करती थी. My father always used to tell me. मेरे पिताजी हमेशा कहते थे. When you go through this fasting of 45 days. जब तुम 45 दिनों का ये उपवास करती हो. Don't commit things that you cannot fulfill. तुम ऐसे वादे मत करना जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते. So give us small small things, that's enough. छोटी-छोटी बातें करना ही काफी है. But you complete it all the 45 days. लेकिन इन पूरे 45 दिनों को पूरा करो. As a family we accepted vegetarian dishes all the 45 days. पूरे 45 दिन हमने परिवार के रूप में केवल साग सब्जी खाने का निर्णय लिया. कोई किसी विश्वासी ने नहीं पूछा. We all accepted that. हम सब किसी ने सवाल नहीं पूछा, हम सब ने स्वीकार किया. My parents used to insist on a personal way of giving up things. और मेरे माता पिता व्यक्तिगत रूप में सारी चीजों को देने के बारे में जोर देते थे. We used to say we will not put powder on. हमने कहा कि हम पाउडर नहीं लगाएंगे. We will not keep flower on our head. हम हमारे सिर पर वहाँ पर फूल नहीं लगाएंगे. Those days we used to make iTex at the house and apply the iTex for our eyes, no clearance. उन दिनों में हम घर में काजल बनाते थे और अपनी आँखों पर काजल लगाते थे. But we used to say we will not put on kajal on us. और हमने कहा कि हम अभी अपने आँखों पर काजल नहीं लगाएंगे. These are all stupid things I thought. मैं तो ये सारी बेवकूफी की बातें सोचती थी. God will definitely laugh at us. प्रभु सच में हम पर हँसता होगा. But when I read book of Daniel, the 10th chapter, first 2 verses. लेकिन जब मैंने दानियल की किताब अध्याय 10 वचन 1 और 2 पढ़ा. Daniel went on fast for 21 days. दानियल 21 दिन उपवास कर रहा था. What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? He did not eat anything that he favored. उसने वो सब नहीं खाया जो उसे पसंद था. So he had eaten something which he did not like. यानी उसने ऐसा कुछ खाया जो उससे पसंद नहीं था. He did not drink grape juice. उसने दाखरस नहीं पिया. But he drank something else. लेकिन उसने कुछ और पिया होगा. And he did not apply scent on himself. और उसने खुद के ऊपर सुगंध नहीं लगाई. I was stunned. मैं चकित हो गई. So you see. Eating is not a problem. यानी देखिए यहाँ पर खाना बड़ी समस्या नहीं. And drinking water is not a problem. पानी पीना कोई बड़ी समस्या नहीं. Applying your powder or scent is not a problem. पाउडर लगाना, सेंट लगाना, नहीं लगाना कोई समस्या नहीं. All that is accepted by God as fasting. लेकिन ये सब परमेश्वर के सामने उपवास के रूप में स्वीकार किया गया. Must keep it up all the days of fasting. लेकिन उपवास के पूरे दिन इसे निभाना है. We did it. हमने ऐसा किया. We are doing it. हम इसे कर रहे हैं. My children are taught to do. मेरे बच्चों को ऐसा करना सिखाया. Grandchildren are taught to do. नाती पोती को ऐसा करना सिखाया और वो इसे करते हैं. The youngest one does it. सबसे छोटा जो है वो भी करता है. सबसे बड़ा जो है वो भी करता है. So you see, it's not only ritual. देखिए ये केवल विधि नहीं है. It's not only tradition. ये केवल परंपरा नहीं. Also faith in it. लेकिन इसमें विश्वास भी है. Rooted on Christ. ये मसीह में जड़ पकड़ा है. So when we gather for family prayer. और इसलिए जब हम परिवार की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं. There is meaning behind it. तो उसके पीछे एक अर्थ होता है. We humble ourselves. हम खुद को नम्र करते हैं. Prostrate before him. हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं. And plead with him. और उससे विनती करते हैं. We do not command and demand. हम मांग करके दावा नहीं करते. There is no pride in us. हम में कोई घमंड नहीं होता. Ancestral pride in us. और हमें वंशावली का जो है वो घमंड नहीं होता. Self righteousness. खुद की धार्मिकता. And there is absolutely no doubt. और निश्चय कोई संदेह नहीं होता है. We know that we are in the presence of God. हम जानते हैं हम प्रभु की उपस्थिति में हैं. And where 2 or 3 are gathered, He is there. जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो वहाँ पर है. And He answers openly. और वो हमें खुलकर जवाब देता है. We believe. हम विश्वास करते हैं. And I want you to believe. और मैं चाहती हूँ आप विश्वास करें. Don't make your fasting into कॉमिकल थिंग. अपने उपवास को ऐसी कोई खास बात, ऐसी कुछ बड़ी बात न बनाएं. मीनिंगलेस रिचुअल्स. अर्थहीन ऐसे विधि न बनाएं. डोंट थिंक दैट योर गॉड इज फूल्ड. आप ये न सोचिए कि आपका परमेश्वर बेवकूफ है. लुक डीप डाउन इनटू योर हार्ट. वो आपके दिल के गहराई में देखता है. ही नोज योर थॉट्स. वो आपके विचारों को जानता है. ही नोज द वर्ड्स बिफोर यू कुड अटर देम. आपके बोलने के पहले वो उन शब्दों को जानता है. डू यू नो व्हाट ही इज थिंकिंग. क्या आप जानते हैं वो क्या सोचता है? कैन यू हियर हिज वॉइस. क्या आप उसकी आवाज सुन सकते हैं? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. यहीं पर समस्या आती है. We hear our own voice. हम अपनी ही आवाज को सुनते हैं. We listen to our own selves. हम खुद को सुनते हैं. We are totally satisfied. हम पूरे संतुष्ट होते हैं. Stop there. ऐसे ही में रुक जाएं. Look back. वापस देखें. Find out which is the way. आप ढूंढ निकालें कि कौन सा मार्ग है. Jeremiah 6:16. यिर्मयाह 6:16 कहता है. It is the ancient way. ये तो वो प्राचीन मार्ग है. Where believers after believers, generation after generation have walked. लेकिन विश्वासी और पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग इसमें चले हैं. He says he is the way. वो कहता है वो ही मार्ग है. I am the way, he said. वो कहता है मैं ही मार्ग हूँ. I am the truth, he said. उसने कहा मैं ही सत्य हूँ. I am the life, he said. उसने कहा मैं ही जीवन. He also says. उसने ये भी कहा. Truth will set you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Are you bound? क्या आप बंधे हैं? or you have been set free. तो आप आजाद हो जाएं. So fasting will become a joyful time. और इसलिए उपवास का समय आपके लिए आनंद का समय होगा. You unite with God. आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे. You sing from the depth of your heart. आप अपने दिल की गहराई से गाएंगे. It will not be just lip sympathy or lip prayer. आप केवल दया या प्रार्थना की मांग नहीं करेंगे. Your soul and your body will prostrate before Him. आपके आत्मा और आपका शरीर उसके सामने झुक जाएगा. You will know the truth. आप सत्य को जानेंगे. You will know the real joy. आप सच्चे आनंद को जानेंगे. I want you to join there. मैं चाहती हूँ कि आप उसमें जुड़ जाएं. All the believers. पूरे विश्वासी. Because when you believe fasting and prayer, जब आप उपवास और प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, you will see miracle after miracle. आप चमत्कारों के बाद चमत्कार देखेंगे. Not only for yourself or your loved ones. केवल अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए. The Peter was in the prison. पत्रस जेल में था. And people gathered up in Mark's house. लोग वहाँ पर उस जगह पर इकट्ठे हुए. Fasting and they were praying for Peter. वो वहाँ पर उपवास और प्रार्थना कर रहे थे पत्रस के लिए. And when miracle happened for Peter, these people did not know. और जब पत्रस के लिए चमत्कार हुआ तो ये लोग नहीं जानते थे. लेकिन उन्होंने विश्वास किया. Answer to their prayer. उनकी प्रार्थना के जवाब में. Peter wasn't praying. पत्रस प्रार्थना नहीं कर रहा था. He was sleeping. वो वहाँ पर सो रहा था. Who woke him up? किसने उसे जगाया? An angel. एक स्वर्गदूत ने उसे जगाया. Who was sent down by God Almighty. जिसे सर्व सामर्थी परमेश्वर ने भेजा. He woke him up. उसने उसे जगाया. Who brought the angel down for Peter? किसने पत्रस के लिए स्वर्गदूत को नीचे लाया? Was Peter lamenting and asking for release? क्या पत्रस विलाप करके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था? नहीं. Others were praying for him. दूसरे उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे. With oneness of mind. बड़ी एकता के साथ. So all that bound Peter. और वो सारी बातें जिससे पत्रस बन रहा था. Broke open. वो खुल गए. And the door opened. द्वार खुल गए. He was brought out by an angel. और स्वर्गदूत ने उसे बाहर निकाला. And came to the street where Mark's house was. और वो उस सड़क पर आया जहाँ पर मरकुस का घर था. That's when he came to reality. और तब उसने असलियत को जाना. Till such time he thought he was dreaming. तब तक उसे सोचा कि वो सपना देखा है. Because he had seen visions. क्योंकि वो दर्शन देखता था. He had been with the angels and God himself. क्योंकि वो स्वर्गदूत और परमेश्वर को देखते थे. He thought it was a spiritual experience for him. उसने सोचा कि ये मेरे लिए आत्मिक अनुभव है. When he came to reality. जब वो वास्तविकता में आया. He knew. उसने जाना that God has done a miracle for him. कि परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया. And the reason was. और उसका कारण ये था. Not his own prayer. उसकी खुद की प्रार्थना नहीं. Those who were in Mark's house. जो लोग मरकुस के घर में थे. So he came and tapped the door. वो आकर वहाँ पर दरवाजा खटखटाता. And he called out. उसने उन्हें पुकारा. I'm Peter standing here. मैं पत्रस हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ. And Rhoda, a servant there, और वहाँ पर रोधा जो कि एक दासी थी, heard Peter's voice. उसे पत्रस की आवाज सुनी. He knew Peter was there. वो जानती थी पत्रस वहाँ पर है. So overwhelmed and taken over by excitement. और वो इतने उत्साह से भर गई कि वो रोमांचित हो गई. She didn't even open the door. और उसने दरवाजा भी नहीं खोला. She ran into the prayer meeting. वो प्रार्थना की मीटिंग में दौड़ती हुई गई. Peter is here. Peter is here. उसने कहा पत्रस यहाँ आ गया है. They didn't believe her. उन्होंने विश्वास नहीं किया. What a pathetic scene. कितनी दयनीय दशा है. They prayed for Peter's release. उन्होंने पत्रस के छुटकारे के लिए प्रार्थना की. पत्रस वहाँ पर था. But these people had to come and see Peter, then they believed. और इन लोगों को आकर पत्रस को देखना था, फिर उन्होंने विश्वास किया. Many a time we pray with faith. कई बार हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं. When the Lord gives us answer, जब प्रभु हमें जवाब देता है, we become so human. हम इतने मनुष्य हो जाते हैं. We are not even able to recognize the power of God. कि हम परमेश्वर की सामर्थ को पहचान भी नहीं पाते. But the Lord always answers. लेकिन प्रभु हमेशा उत्तर देता है. The Lord always proves himself. प्रभु हमेशा खुद को साबित करता है. So continue to pray till you receive the answer. इसलिए जवाब पाने तक प्रार्थना करते रहें. Believe that Peter is going to be there. या विश्वास करें कि पत्रस वहाँ पर आएगा. Believe your son is going to change. अब विश्वास करें कि आपका बेटा बदल जाएगा. Believe your children are going to be holy. विश्वास करें कि आपके बच्चे पवित्र होंगे. Believe your husband is going to get the promotion. आप विश्वास करें कि आपके पति को प्रमोशन मिलेगा. Believe your son is going to be healed. आप विश्वास करें कि आपका बेटा चंगा होगा. Believe your daughter is going to confine. विश्वास करें कि आपकी बेटी ठीक होगी. You're praying ना? आप प्रार्थना कर रहे हैं? Fasting and prayer. उपवास प्रार्थना. You're believing ना? और विश्वास कर रहे हैं ना? How is that it will not happen? तो फिर ये कैसे क्यों नहीं होगा? Just receive an answer from God. बस परमेश्वर की ओर से उत्तर ले लें. Don't let him go. उसे ऐसे जाने न दें. In 62nd chapter of Isaiah, यशायाह के 62वें अध्याय में, he starts saying, "I'm going to bless Zion, I'm going to bless Jerusalem, and these are the blessings." He pronounces all the blessings. और वो शुरू में कहता है, मैं सियोन को आशीष दूंगा, यरूशलेम को आशीष दूंगा, और आगे बताता है कौन सी आशीष दूंगा. That is his desire. ये उसकी इच्छा है. To bless Israel. कि इस्राएल को आशीष दे. Blesses him, it pleases him. To bless Israel. ये उसे धन्य लगता है, ये उसे प्रसन्न करता है कि इस्राएल को आशीष दे. So he is going to bless you. इसलिए वो आपको आशीष देगा. But there are two things you have got to do. लेकिन आपको दो काम करने हैं. You cannot allow him to rest. आप उसे विश्राम करने नहीं दे सकते. till such time that he fulfills all the promises he has pronounced. समय तक जब तक कि वो अपनी जो भी उसने प्रतिज्ञाएं घोषित की है उसे पूरा न कर दे. And keep on crying out to him. आप उसे पुकारते रहें. You don't rest. आप विश्राम न करें. Do not allow God to go to rest. और परमेश्वर को भी विश्राम करने न दें. That's what praying, fasting and faith is all about. उपवास, प्रार्थना और विश्वास इसी के बारे में है. Are you doing that? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? If you are doing that today, अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं, continue to do so. तो इसे करते चले जाएं. Till such time you will stand up as a written epistle. जब तक कि आप एक लिखित पत्री के रूप में खड़े ना हों. Proclaim to everybody that your God lives. कि आप सबके सामने दावा करें कि आपका परमेश्वर जीवित है. Not only lives but reigns also. केवल जीवित नहीं लेकिन वो राज्य भी करता है. His hand is not shortened. उसका हाथ छोटा नहीं है. He is going before you. वो आपके आगे आगे चलता है. He will fulfill it for you. वो उसे आपके लिए पूरा करेगा. Whatsoever the circumstances say. चाहे परिस्थिति जो भी कहती हो. Facts and the figures teach you. और जो अंक और आंकड़े आपको बताते हैं. Doesn't matter. उससे फर्क नहीं पड़ता. Because faith is all about having surety of what you hope for. And to be certainty of what you cannot see. क्योंकि विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. You cannot see the grandchild through your daughter right now. Doesn't matter. आप अपनी बेटी में अपने नाती पोती को नहीं देख पाते. You are hoping for it. आप उसकी आशा तो करते हैं. That's what faith is all about. यही तो विश्वास है. Whenever people come for children, जब भी लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करने आते हैं, for a child, कि उनको कोई संतान हो, I keep telling them, मैं उन्हें ये कहते रहती हूँ, on your way back home, आपने घर वापस जाते समय, buy something for this child, इस बच्चे के लिए कुछ खरीदो, keep it somewhere where you can touch always, और ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर हमेशा उसे छू सकते हो, whenever you have a doubt, जब भी संदेह हो, whenever you get depressed, जब भी निराश होते हो, touch that thing and say, उस चीज को छू कर कहो, by faith I have bought it, मैंने विश्वास से इसे खरीदा है, by faith I know I will use it. विश्वास से मैं जानती हूँ मैं इसका उपयोग करूँगी. So I thank my God now. और इसलिए मैं अभी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. Every day you will be coming to a pedestal where you will stand as a witness and praise God for it. और इसलिए हर एक दिन आप ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर आप परमेश्वर के लिए गवाह के रूप में खड़े होंगे. Either you believe or not, I don't care. चाहे आप विश्वास करें या न करें मुझे परवाह नहीं. It has happened in my life over and over and over again. ये मेरे जीवन में बार-बार हुआ है. Now I don't doubt. अब मैं इस पर संदेह नहीं करती. That is what I want you to do. और मैं चाहती हूँ आप यही करें. Believe now. अभी विश्वास करें. Believe in your own prayer. अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करें. You need somebody to pray for you. Yes, I'm not denying that. हाँ आपको कि जरूरी है कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे. मैं इसका इनकार नहीं करती. Do not believe in your own prayer. लेकिन आप अगर अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते. Don't expect somebody to pray with the same zeal. तो अपेक्षा न करें कि कोई और आपके लिए उतनी जिज्ञासा से प्रार्थना करेगा. You will pray for your child 24 hours. You lament. आप अपने बच्चे के लिए 24 घंटे विलाप करेंगे. I do that. मैं ऐसा करती हूँ. I also pray for others. लेकिन मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ. That time when I pray for them, I am praying for them. और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ तो उनके लिए जरूर प्रार्थना करती हूँ. Unless the Holy Spirit reminds me of them. जब तक कि पवित्र आत्मा मुझे उनके बारे में याद न दिलाए. I do not keep on praying for them. मैं उनके लिए बस ऐसी ही प्रार्थना नहीं करती रहती. Hundreds and thousands reach out to me. हजारों हजारों लोग मेरे पास आते हैं. I cannot be doing that. मैं ये सबको याद नहीं कर पाती. But for my children. लेकिन मेरे बच्चों के लिए. Who else can pray? और कौन प्रार्थना करेगा? But me. मेरे सिवा. Who else can bless? कौन आशीष देगा? But my God. मेरे परमेश्वर को छोड़. So here you are. और यहाँ पर आप हैं. Praying for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं. For your future. अपने भविष्य के लिए. Believe. आप विश्वास करें. Have faith. विश्वास करें. And pray. और प्रार्थना करें. And when you pray the way Joel had proclaimed, God expects out of you. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित परमेश्वर अपेक्षा करता है. Circumcising your heart. अपने दिल का खतना करें. Lamentations and petitions. आप विलाप करें और वहाँ पर thanksgiving in your lips. और अपने होठों से धन्यवाद. Double-edged sword in your hand. आपके हाथ में दुधारी तलवार है. Then you will be honored. तब आपका आदर किया जाएगा. Then you will receive the answer. तब आप उसका उत्तर पाएंगे. Then you will stand up as a witness for God. तब आप प्रभु के लिए गवाह के रूप में खड़े होंगे. God never fails. प्रभु कभी टलता नहीं. God never forgets. प्रभु कभी भूलता नहीं. God never leaves. प्रभु कभी छोड़ता नहीं. He is alive. वो जीवित है. He is reality. वो वास्तविक है. He is there for you to reach out. वो आपके लिए है कि आप आगे बढ़ें. He is very close to you. वो आपके बहुत निकट है. You are praying. आप प्रार्थना करते हो. So when you pray, has got to be there to listen. जब वहाँ पर आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु है कि सुने. Just because you don't believe, that doesn't mean he is not there. आप विश्वास नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है. Because you don't believe, you receive. That is there. आप विश्वास नहीं करते इसलिए नहीं पाते हैं. So if you believe, you will receive. अगर आप विश्वास करें तो पाएंगे. Why not believe? क्यों न विश्वास करें? So today. इसलिए आज. If you make up your mind to believe. अगर आप विश्वास करने की ठान लें. Receive. A miracle after miracle. क्या तो फिर आप चमत्कार के बाद चमत्कार पाएंगे. Only when people say it's impossible. जब लोग कहते हैं कि असंभव है, then we need a God who's God of impossibilities. तो हमें ऐसा परमेश्वर चाहिए जो असंभवता का परमेश्वर है. My God has no word in His vocabulary as impossible. मेरे परमेश्वर के पास में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है. Because the word impossible is written in His vocabulary. क्योंकि असंभव जो शब्द है उसकी याददाश्त में लिखा नहीं गया है. I apostrophe am possible, which means I am possible. वो कहता है I am possible यानी मेरे लिए संभव है. Do you believe in that? क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? You believe, expect a miracle today. तो अगर विश्वास करते हैं तो आज चमत्कार की अपेक्षा करें, आज उसे पाएं. Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Our heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we are here humbling ourselves, my Lord. हम अपने आप को यहाँ पर नम्र करते हैं प्रभु. You are putting a petition for ourselves, for our children and children's children. हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए विनती करते हैं. As you were with the forefathers, जैसे तुम्हारे पूर्वजों के साथ था. Be with us, heavenly Father. हमारे साथ रहना प्रभु. Make our children see you in us. प्रभु हमारे बच्चे हम में तुझे देखें. Make them receive the answers to believe. और प्रभु वो जवाब पाए कि विश्वास कर सके. Make them pray, heavenly Father. उन्हें प्रार्थना करने वाला बना प्रभु. Let them never ever be ashamed to pray. कभी प्रार्थना करने के लिए शर्माए नहीं. Make them understand whenever and whatsoever they need, they've got to get on their knees to get it. उन्हें समझ दे प्रभु कि जब भी उन्हें कुछ चाहिए तो निश्चय इसके लिए प्रार्थना करें. Let them not depend on themselves. अपने ऊपर आधारित ना हो. Their own self-righteousness, अपनी खुद की धार्मिकता पर, traditions, परंपरा पर, the rituals, धार्मिक विधियों पर, but have faith, लेकिन विश्वास to humble themselves, कि अपने आप को नम्र करें, never to judge others, कभी दूसरों का न्याय न करें, never to judge themselves to be righteous, कभी धार्मिकता के लिए दूसरों, always scared of your own way, कभी खुद के बारे में धार्मिकता के बारे में न सोचें, always be conscious to please thee and thee alone, लेकिन तेरे मार्गों के बारे में सोचे और तुझे प्रसन्न करने वाले बने. That you got to understand, my Lord, और प्रभु इसके लिए जरूरी है कि वो समझे, what you expect out of us. ये तू हमसे क्या अपेक्षा करता है? You taught your children. तूने अपने संतानों को सिखाया. Teach us now. तो हमें अभी सिखा. You taught them to pray. तूने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया. You taught them the significance of fasting. तूने उन्हें उपवास का महत्व सिखाया. Teach us now. अभी हमें सिखा. Make us listen now. अभी हमें सुनने वाला बना. Make us understand it now. हमें इसे समझने वाला बना. And abide by it now. और प्रभु हम उसके अनुसार अभी बने रहें. Receive miracle after miracle. और हम चमत्कारों पर चमत्कार पाएं. To declare to the whole world. और पूरे संसार के सामने घोषित करें. The Creator lives. ये सृष्टिकर्ता जीवित है. And he cares for the creation. और वो सृष्टि की परवाह करता है. And he makes me a new creation. और वो मुझे नई सृष्टि बनाता है. And I know now. और मैं अभी जानता हूँ. My Creator. मेरा सृष्टिकर्ता. So I prostrate before thee, my Lord. और इसीलिए हम तेरे सामने नतमस्तक होते हैं. तो चाहिए तो निश्चय इसके लिए प्रार्थना करें. Let them not depend on themselves. अपने ऊपर आधारित न हो. Their own self-righteousness, अपनी खुद की धार्मिकता पर, traditions, परंपरा पर, the rituals, धार्मिक विधियों पर, but have faith, लेकिन विश्वास करें, to humble themselves, कि अपने आप को नम्र करें, never to judge others, कभी दूसरों का न्याय न करें, never to judge themselves to be righteous, कभी धार्मिकता के लिए दूसरों, always scared of your own way, कभी खुद के बारे में धार्मिकता के बारे में न सोचें, always be conscious to please thee and thee alone, लेकिन तेरे मार्गों के बारे में सोचे और तुझे प्रसन्न करने वाले बने. That you got to understand, my Lord. और प्रभु इसके लिए जरूरी है कि वो समझे. What you expect out of us. ये तू हमसे क्या अपेक्षा करता है? You taught your children. तूने अपने संतानों को सिखाया. Teach us now. तो हमें अभी सिखा. You taught them to pray. तूने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया. You taught them the significance of fasting. तूने उन्हें उपवास का महत्व सिखाया. Teach us now. अभी हमें सिखा. Make us listen now. अभी हमें सुनने वाला बना. Make us understand it now. हमें इसे समझने वाला बना. And abide by it now. और प्रभु हम उसके अनुसार अभी बने रहें. Receive miracle after miracle. और हम चमत्कारों पर चमत्कार पाएं. To declare to the whole world. और पूरे संसार के सामने घोषित करें. The Creator lives. ये सृष्टिकर्ता जीवित है. And he cares for the creation. और वो सृष्टि की परवाह करता है. And he makes me a new creation. और वो मुझे नई सृष्टि बनाता है. And I know now. और मैं अभी जानता हूँ. My Creator. मेरा सृष्टिकर्ता. So I prostrate before thee, my Lord. और इसीलिए हम तेरे सामने नतमस्तक होते हैं. तो हमारा मार्गदर्शन कर. Not only us, my Lord. केवल हमारा ही नहीं. All our loved ones. हमारे सभी प्रियजनों को मार्गदर्शन. I want all my loved ones to be there when I see you face to face. प्रभु जब मैं तुझे आमने सामने देखूंगी मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे प्रियजन वहाँ पर. This life that we lead on this earth. और इसलिए पृथ्वी पर जो जीवन हम जीते हैं. Be a testimony for you. हम ये तेरे लिए गवाह के रूप में जिएं. Then you will testify for me there. और फिर तब तू वहाँ पर मेरे लिए गवाही देगा.